हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम हैं जम सरोवर धाम। यह बिश्नोई समाज का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ पे ये जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है, ये जम्बो जी के द्वारा खुदाई की गई है। यहाँ से शुरुआत उन्होंने की थी, जम्बो जी ने यहाँ से ये खुदाई शुरुआत की थी, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ का जो निर्माण है वो शुरू हो चुका था, और अभी तक जो है इसका सारा पूरा निर्माण कार्य जारी है। तो दोस्तों, ये जो है ये पूरा घाट है, और उसकी एक तरफ उधर जो मेरी उंगली जा रही है, उधर महिलाओं के लिए स्नान करने की जगह बनाई गई है, और यहाँ पे जो है मेल यानी पुरुषों का जो स्नान करने का यहाँ पे पूरा बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पे पुरुष आके स्नान कर सकते हैं। ये सभी जो हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए आए। तो अभी अंकल से पूछते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम सर। राम 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 राम। तो वो मंदिर की खातर प्रसिद्ध है? ओ देखो अटे जाम्बी जी रे धोक देवणी। हाँ सा धर्म करनो और पाप साफ हुनो। ठीक है, अठू मतलब पाप साफ स्नान करके पाप आपरा दो दणा थे। ठीक है सा। तीर्थ भले कितने करो, अठे एक तीर्थ कर लेन हगला का बराबर ही है। हगला का बराबर ही है, यानी वो विष्णु तीर्थांग ये महात्म्य है। अच्छा अच्छा, ठीक है सा। हगला का शिरोमणि ये है। ठीक है जाम्बे जी, आप आता हूँ खुद उड़े आता हूँ खुदा उड़िए। ठीक है सा। तो दोस्तों, हम जो है इस मंदिर में आ चुके हैं। तो दोस्तों, हम जो है इस मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर दिखाने वाले हैं। जब ये मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो ये कैसा दिखने वाला, पूरा इसका जो मॉडल है वो लगाया गया यहाँ पे रेडी करने के लिए। तो चलिए अपने जो मॉडल है वो पूरा मॉडल देख लेते हैं। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये जम सरोवर कॉरिडोर है। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो हमने देखा था बाहर तालाब, वो तालाब अगर हम देखेंगे तो देखो ये पूरा जो है गोल यहाँ पे बनाया गया है, और ये हमारा जो पास में मंदिर है मंदिर है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो है जम सरोवर धाम है। ये बिश्नोई समाज का बहुत ही पवित्र स्थल है। आप देख सकते हैं कितना जो है शानदार ये मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, अब जो है हम अपने अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि कितना ये शानदार जो है मंदिर बनाया गया है। ये देख सकते हैं ये जो है अंदर ढोक लगा के आए हैं लेडीज। इस मंदिर के अंदर रोज जो है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रोज इस यहाँ पे रख के हवन किया जाता है इस मंदिर के अंदर। और यहाँ से मैं अब आपको जो है सरोवर यहाँ का तालाब जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि किसी कैसी जो है यहाँ से लोकेशन बनती है। आप देख सकते हैं ये जो है कुछ इस प्रकार से पूरा तट है। दोस्तों, इस पानी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पानी के अंदर हर थोड़ी दूर कभी गर्म और कभी ठंडा पानी होता है। तो इसे एक हम चमत्कारी दृष्टि से देखते हैं कि जम्बो जी ने खुद ने इसको एक अपने हाथों से निर्मित किया, अपनी ज्योति जो है इसके अंदर, अपने पानी के अंदर वो चीज़ें हैं कि जिससे आदमी का जो रोग है लगभग चरम रोग से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो गुंबद के ऊपर आप देख सकते हैं ये सोने जैसी कुछ धातु, ऐसे अष्ट धातु कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार की जो धातुएं होती हैं वो सम्मिलित होती है। तो 11 ये कुल। तो दोस्तों, ऐसी जो टोटल जो गुंबद के ऊपर लगाए गए हैं, ये टोटल 11 इस मंदिर में लगाए गए हैं। तो इस पे भी आप वो ऊपर देख सकते हैं, इसमें भी आप ये देख सकते हैं, और इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक आप देख सकते हैं वो जो ऊपर लगी है वो सबसे बड़ी जो है गुम्बद के ऊपर लगाई गई अष्ट धातु। तो जो ये सारी अष्ट धातु है दोस्तों, इनका जो वेट है वो 10 क्विंटल के आसपास है। इसकी अगर कीमत बताएं हम, तो कीमत जो है इस गुम्बद के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है दोस्तों। और इसकी जो कलाकृति है दोस्तों, ये बहुत ही गजब की बनाई गई, आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए क्या अंदर से जाते वक्त कितना ये शानदार यहाँ पे गेट जो दरवाज़ा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जो है देख सकते हैं आप ये गुंबद के अंदर जो है पूरा स्ट्रक्चर कैसे इसका बनाया गया है, और ये अंदर से बाहर देखने की तरफ कुछ इस तरह नज़र आता है, और ये बाहर से अंदर कुछ इस तरह। तो दोस्तों, ये आप मंदिर देख सकते हैं अंदर से, और ये जो है ये तिलक लगाने के लिए जो हवन करने के बाद बबूती बचती है दोस्तों सिर पर लगाने के लिए, मथे पर टीका लगाने के लिए। ये जैसे ये टीका लगा रहे हैं ऐसे सिर पर जो है टीका लगा जाता है, और वो अंदर आप जलती हुई देख रहे हो वो दिव्या ज्योति है। वो उसके अंदर मैं आपको उंगली करके दिखाता हूँ, वो जो अंदर मंदिर के अंदर छोटी सी जल रही है वो दोस्तों दिव्या ज्योति है इस मंदिर के अंदर की। और अंदर जो जम्बो जी की है जो
तस्वीर भी अंदर दिखाई दे रही है दोस्तों। ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो निर्माण कार्य में ये जो दरवाजा बनाया गया है कुछ इस तरह का ये दरवाजा बिल्ड किया गया है। इन सीढ़ियों से रोज जो है इस मंदिर की सफाई की जाती है, एक भी दिन मिस नहीं किया जाता दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं। और अगर हम पूरा जो है इसका अगर व्यू दिखाया जाए तो दोस्तों ये 5 किलोमीटर से दूर से देखने पर भी, अगर थोड़ी सी ऊंचाई से देखने पर भी ये दिख जाता है आराम से, इतना जो है मंदिर ऊंचाई में है। इस मंदिर का जो रख रखाव है वो 2 महंत करते हैं। 2 महंत को हर एक महंत को 6 महीने तक मंदिर संभालने दिया जाता है। जो मंदिर की है वो व्यवस्था जो है वो बिठाते हैं। 2 महंत होते हैं, 1 6 महीने 1 6 महीने 1। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी इसमें अग्नि जलाई गई थी, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ये बड़ा है। और जब ये जलाया गया था बताया जा रहा है कि बहुत ही बड़ा बादल यहाँ पे बन चुका था। तो दोस्तों ये है ओम जी, आप इन्हें देख सकते हैं। ये जो है ये पूरा मंदिर है, ये इनकी देख रेख में पूरी जो यहाँ की साफ सफाई और सभी जो देख रेख की जाती है वो ओम जी के द्वारा ही की जाती है। और अब ओम जी है जो हमें पूरी इस मंदिर की जो है जानकारी देने वाले हैं। सर इसे क्या कहते हैं ओम जी? तापनी। ये तांबे की, ये तांबे की है। और ये है कांसी का बाटिया, कांसी का इसमें घी रखा है, इसमें घी रखा जाता है दोस्तों हवन के लिए। ये चम्मच, ये चिमड़ा, ये चम्मच प्रसाद चाड़ने के लिए, ठीक है। और ये शाम को 5 बजे ऑन स्टार्ट हुई, शाम को, और शाम का 6 बजते ही सूर्य उदय होते ही ये ऑन आपके ये समाप्त कर दे, समाप्त हो जाए। और पहले दिन विजय बाद में नहीं जग सकेगा, जीव मरे जम्बू जी के जीव दया पालने, मतलब दिन विजय बाद में जोत बड़ी कर दे, ठीक है। और 5 बजे तक ये जो चले सुबह शाम होने वाले भाई। पर्चा पेड़ रही, पर्चा दियो जैसलमेर का राजा अजय सिंह, उनको दिया था पहले पर्चा जाम्बोजी ने। हाँ ठीक है, जाम्बोजी महाराज तालाब खोदा हुआ, तालाब खोदा हुआ जिन अटे जय सिंह राजा आया, किसी ने बोला कि आपके कोड हुई है और फलोदी के पास में जाम्बा गांव है वहाँ संत है बाबा बैठा रहे बिरजावा जी ने एकदम शरीर सही हुआ है। जब जाम्बोजी अट बैठा था जिन्हा पे मन में विचार क्यों होगा भाई संत या कई बेवेर कई आवे ऊला इतका विष्णु लोग तालाब खोदते दे कर बे रथ उतरिया नीची, रथ नीची उतरिया जिना पंग मन में दया आई के भाई ऐ खोदे जिना आपा ही आपन जो तुआल होता ना आपने गमसा भर मिट्टी का पहाड़ मा नाकन गया पंग शरीर में कोड हुई एकदम कंचन बरगो शरीर उचो। फिर जाम्ब जी के पगे पिड़िया बे तो क्या गुरु जी माफी चाहवा मारो शरीर एकदम साफ हो गयो। जाम्बो जी पेदरे पर्चा दिया था उनको जिन्ना बिजनौर को विष्णु बन गयो कमल बनावा, कमल बना जमीन में गाड़ बाद में आसन जाम्बो जी अंदर आसन है ना वो जैसलमेर का राजा है जय सिंह बांगे नाम को बना उड़वा। हाँ जियो की हत्या नहीं करनी, पहले है वृक्ष काटते कोई देखो तो आमन शीश जावे नहीं तो गम नहीं है, वृक्ष नहीं कटना देना चाहिए। ये जाम्बो जी ने पहले आप संदेश दिया था और बिन संदेश ने वो सरकार भी माने। तो दोस्तों इस जो मंदिर की है वो कुल ज़मीन 400 बीघा ज़मीन है, यहाँ से वो दूर दूर तक आप देख सकते हैं वो इतना ये दौरा इधर मुझे दिख रहा है कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दौरा होगा। तो यहाँ से लेके जो जितने भी यहाँ चारों ओर घूमें जो 400 बीघा जो जितनी भी ज़मीन है वो इस मंदिर की ज़मीन है। तो यहाँ पे जो है साल में एक बार जो बड़ा जो है मेला भरता है, 20 दिन दोस्तों ये जो पूरा है यहाँ पे मेला चलता है और तकरीबन 2-3 लाख से प्लस ही जो है यहाँ पे लोग माथा टेकने आते हैं, अपनी श्रद्धा दिखाने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 8 अप्रैल को अमावस्या थी, उसमें दोस्तों बहुत ही बड़ा जो है मेला भरा था। तो अभी जो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे वो मेला जो यहाँ पे भरता है अभी फ़िलहाल चल रहा है, 20 दिन चलता है दोस्तों। तो अभी भी वो मेला जो है चल रहा है और अब हम वहाँ पे जाने वाले हैं ट्रैवल करके। दोस्तों बने रहिए, वो मेले में हम आ चुके हैं, गुरुजी भी हमारे साथ है। तो दोस्तों ये जो मिर्ची है ये मथानिया की मिर्ची है जो ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है ना, मथानिया की मिर्ची है ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है। ये जो मिर्ची है वो दोस्तों खारी नहीं है, खा के दिखाएंगे गुरुजी, खा के दिखाना। ये देखिए गुरुजी खा के दिखा रहे हैं, चरकी नहीं है असल में, ये जो खाने को है स्वादिष्ट बनाएगी लेकिन दोस्तों ये चरकी बिल्कुल नहीं है। मैं भी खा के देख सकता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इस मेले में जो जुतियाँ हैं जो जोधपुर की लोकल जुतियाँ यहाँ पे मिलती हैं। ये देखिए कितनी जो है ये हाथों से इसको तैयार किया जाता है, ये कढ़ाई वगैरह जो की जाती है दोस्तों।
मेला यहाँ पे भरा हुआ और हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। इंडिया में दोस्तों विभिन्न अलग अलग जगहों से यहाँ पे जो बिश्नोई समाज के लोग होते हैं वो यहाँ पे इस मेले में आते हैं, मंदिर में आते हैं, धोख लगाते हैं। सभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो मंदिर का जो अंदर पूरा स्ट्रक्चर बताया है, बाहर का जो पूरा उसके निर्माण कार्य से लेके जो भी डिटेल थी दोस्तों हम आपको वो सभी बता चुके हैं। और जो यहाँ पे पीछे मेला भरा हुआ है ये मेला भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो है बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।